शकील और राजा की जोड़ी निकल चुकी है। जीत के लिए 171 रन चाहिए 10 ओवरों में। और जो लाइव अनिल ओजस्वी पर आप देख सकते हैं जाकर के वहां पर भी पहले में 171 रन का लक्ष्य। विश्व पर अगली बार दूसरी गेंद करने के लिए तैयार मिस टाइम स्टॉक में सर्कल के नीचे खिलाड़ी सुपर विकेट गिरता हुआ इस समय देश का बल्लेबाज का दर्शकों में वो उल्लास देखा जा सकता है, जुनून देखने को मिल रहा है, वो जो चीरिंग देखने को मिले पहला विकेट गिरने के बाद। भाई के इंतजार में आज मैच लेट हुआ एक घंटे। हालांकि एक से सूर्य भगवान उधर भगवान भास्कर चमक रहे हैं। पहले ओवर में ही बड़ा बड़ा झटका दे दिया है शकील। बिना खाता खोले तो बैडियन में लंबे लपेटक करते हुए चले गए। मायूस होंगे निश्चित तौर पर, वो मिस टाइम कर दिया अश्विन में, लेकिन वो कुछ देखने को मिला नहीं। हालांकि इस बार धीमी गति की गेंद उसे अच्छी तरीके से पढ़ लिया बल्लेबाज ने। और ये देखते हुए कि पहला विकेट अगर तत्काल गिरा है ब्लैक टाइगर बल्लेबाज बाएं हाथ का ये बल्लेबाज गेंदबाज शॉट ऑफ लेंथ के धीमी गति की गेंद सही से पढ़ा, इसके बाद उसे विकेट के ऊपर से जड़ा छीकी मंजूरी मिलते हुए 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच गया है इस समय 7 रनों पर। शक्की की बदौलत पहले इस पहले ओवर का ये पहला छक्का है 6 रनों के लिए। एक मरतबा फिर से शॉट में गए, उसे सामने तीर के समान भेज दिया, एक तमाचा समान उजर दिया हो जीवन पैथोलॉजी सेंटर के ठीक बाई ओर से 6 रन। क्या खूबसूरत छक्का है यह राजा के बल्ले का। बहुत अच्छी गेंद पर ऐसे स्तर पर अगर इस तरीके से आप चूक करते हैं ये जीवन दान कितना महंगा पड़ेगा कोनी को आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हाफ चांस जरूर था लेकिन इसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए था, दाहिनी तरफ जाना था और गेंद तो वहां पर छिटक गई तो दूसरा झटका लग सकता था ब्लैक टाइगर को। जो जल्दबाजी दिखाई वहां पर बल्लेबाज राजा ने, गेंद टप्पा जैसे ही खाई थी कुछ राशिद खान जिस तरीके से खेला करते थे उस अंदाज में मोड़ दिया था, नो लुक शॉट था वहां पर फील्डर ने झुलसकार निश्चित तौर से गेंद को सही तरह से कलेक्ट कर नहीं पाया। और यहाँ पर एक ओवर में 13 रन भाई, यहाँ पर मैंने अभी फिकार को बॉलिंग मार्ग पर तलब कर लिया है कप्तान कोहली ने। पहली मरतबा पहली गेंद बाएं हाथ से गेंद का देखा परखा जाने दिया है, गेंद का पीछा जरूर किया वहां पर बब्बू ने और साइड पर पैक कर दिया है बिल्कुल फील्ड जैसी रखना। मैं बता ही रहा था कि ये बल्लेबाज चौके के लिए जाना जाता है, लंबे लंबे चौके के लिए जाना जाता है। जरा रही है जूझना बिल्कुल बना करके फील्डिंग लगाई गई है। इस बार शॉट ऑफ लंग गेंद जैसे ही मिला रूम गेंद गई बाउंड्री लाइन को चूम, क्या खूबसूरत स्ट्रोक था ये बल्ले। स्कोर पहुंच गया 22 रन। जीवन पैथोलॉजी सेंटर ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं। अब इस समय उमस का जैसे मौसम आ गया है बिल्कुल दर्शक खामोश है, आज राइट करा दिया वहां पर अंपायर ने पास बोलते मुकाबला जो बिल्कुल थाम भी सकता है किसी क्षण। और हवा निकल रहा है पैक बॉलर का ड्राइव, ये कैच बन सकता था, एक और कैच ड्रॉप होता हुआ कोहली की तरफ से, वो भी एक ही खिलाड़ी रवि जुल्फिकार। क्या जुल्फिकार के हाथों में आज वो मक्खन का लगा है जुल्फिकार के बाहर वो निकलते हुए जैसे ही देखा रडार में आ रही है ऑफ स्टंप के बाहर चले गए और उसे निकाल दिया मिड विकेट के सर के ऊपर से सभी खिलाड़ी को अभी रुका हुआ 30 रन। ओवर की समाप्ति के बाद आगे का आंकड़ों देखा हल हमारे साथी को मंडी द्वारा कुछ सुनाएंगे। ब्लैक टाइगर पथुआ का 35 रन और क्या कहर बरपाया है धीरे धीरे कर्मों के साथ और से टैप कर दिया है यार्ड के क्षेत्र में वहां पर दोनों जब तक ये तो फील्ड करते दोनों दोनों प्लेयर आसानी और से खेल दिया है सीधा बल्ले से और गेंद बाउंड लाइन में बाहर सुमित नहीं सुमित गए हैं राजा को पानी लेकर और जा रहे हैं रवि सिंह। क्रिकेट की दुनिया में बिल्कुल अपनी एक अलग पहचान बनाया है इस खिलाड़ी ने जो भी जा रहे हैं अब्दुल का स्थान लेने के लिए बहुत ही उम्दा और कलात्मक बल्लेबाज है रवि सिंह। और
और ये जो अभी इशारा नहीं आया है और इशारा बॉडी को फ्लैग से कभी कभी प्रदर्शन करने वाला पहला खाता और इस तरीके के सहारे अपना खाता खोला है और टीम को इसको पहुंचा दिया है अपना जाकर बढ़ेगा 49 रन सुरक्षित है हर्षल खड़ा है उसको अल्लाह के ऊपर से लगा ऊंचा धक्का वाह जिसके लिए चाले जाते हैं बिल्कुल उसी मकसद खत्म पर इसमें चल रहे हैं रवि सिंह और यहाँ पर हमारे लगातार दो छक्के पर 251 रुपए और लगातार तीन छक्के पर 551 रुपए का पुरस्कार रखा है इसमें ब्लैक टाइगर बढ़ोगा 55 रन तीन ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है ब्लैक टाइगर बढ़ोगा का 55 रन और अब हम ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और बल्लेबाज को आमंत्रित किया था उस आमंत्रण को स्वीकार किया बैट्समैन एक बार गेंद की लेंथ को पढ़ लिया था और विकेट के ऊपर से छेड़ हो गई है टोटल से किसी बैट्समैन के नाम जीवन दान के सहारे ही बने हैं रोहित शर्मा और स्पीच गिफ्ट खेला है उनके हाथों से और बैट्समैन ने जब वो 35 पर थे उनका जीवन दान मिला था और उन्होंने 201 रनों की तूफानी पारी खेली थी और तीन मैचेस की कहावत है चार जिसको खेला है के हाथों से एक रन मिल जाएगा इस तौर पर इसी तौर पर खिलाड़ी है उसका मेकअप कर रहे थे के आसपास का है इस बार की बहुत अच्छी थी चार कमाल की बॉलिंग थी अब तक के सबसे किफायती बॉलर रहे पहले ओवर से 13 ओवर 65 रन ओवर समाप्त ओवर हो गया है ओवर हाँ इस ओवर की 6 गेंदों पर पहली पर छक्का और अंतिम 4 गेंदों पर सिंगल और छठी गेंद पर डॉट 3 आइए राहुल भाई आपका स्वागत है चार ओवर 65 रन वेल चला तो गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया रवि सिंह ने रवि सिंह ने फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक पर लाते हुए राजा को लेकिन दोनों तरफ से वो तूफानी अंग बाएं हाथ से कोर बनाती हुई एक गेंद पॉइंट पर अगर ये छक्का होता है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्यों का चलता है अभिषेक तब्दील कर लिया कैच में टाइगर पर धोखा गिरने वाला तीसरा विकेट बिल्कुल शांत होता हुआ ये क्राउड यहाँ का दर्शक बिल्कुल खामोश होते हुए एक सिक्का उछाल दे तो उसकी खनक हमारे कानों तक आएगी इतनी खामोश हो गए हैं इस मदरसा के विकेट गिरने के बाद राजा ने जो बेहतर बल्लेबाजी से अपनी छाप छोड़ी थी आज इस दोहरी क्रिकेट में उनकी पारी का अंत होता हुआ संजू भाई कैसे हो भाई संजू भाई कैसे हो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह ब्लैक टाइगर बदल गया इसको 78 यानी करीब करीब 16 के आसपास का असर चलता हुआ जो कि इतना ही चाहिए इस बार धीमे गति की गेंद रवि ने पढ़ लिया और उसे फिर से उसी अंजाम पर भेज दिया जहां पर गेंद को जाना चाहिए बहुत अच्छा स्वागत किया इस छक्के के साथ 84 रनों पर जा पहुंचा है बॉलर का नाम आपको इस बीच अगले गेंद शॉट ऑफ करके फिर से निकाल दिया रवि ने लॉन्ग ओवर में विकेट के ऊपर तक गया 6 रनों के लिए क्या खूबसूरत छक्का है रवि के बल्ले से लगातार 2 छक्के परिणाम है लगातार 3 छक्के परिणाम है रामों के द्वारा उतना फायदा है बढ़ो के लिए इस बार उसे ड्राइव किया और स्टंप की लाइन की गेंद हर गेंद पर छक्का नहीं लगा सकते धोनी ने उसका जवाब भी उसके पीछे और क्या खूबसूरत टाइमिंग के साथ चला इसको फिर से दीर्घा के दूर उस पर 6 रन एक और गगन भेदी डाल दिया यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 99 विकेट ये है बुधवार का स्कोर यानी अब यहाँ से 72 रन जीत के लिए चाहिए 24 गेंदों में ये ओवर में कोहली का कितना स्कोर था ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात कर ली 6 ओवर में 86 रन और यहाँ पर 6 ओवर में 99 रन है तो बधवा कहीं आगे नजर आ रही है बाबा चले टीपू के लिए हमसे खोल दिया है बाबा चले और से जो है शिवालय के क्षेत्र में खेला है वहां पर हेमो मौजूद है तब तक तो सफाई के साथ फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ अपना छोर बदला है और इस एक रन के सहारे टोटल स्कोर पहुंच चुका है 107 रन और 7वां ओवर विकेट पर है बाबा चले धीरे धीरे कदमों के साथ और से खेल दिया है
थोड़े सिर पर इसमें रवि खड़े उतरते हुए और रवि सिंह क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत ही अलग खिलाड़ी है जिसको मैं तो इनके के रगरग से मैं वाकिफ हूं। 116 रन 7 ओवर की समाप्ति पर और अब आगे की कमेंट्री सुनेंगे। 18 बॉले 55 रन। जो दर्शक है वो उनके सामने है हार्ड हिटर बल्लेबाज ब्लैक टाइगर पकड़ा के रवि सिंह पहुंच रहे रवि के लिए और उसे खेल दिया है सीधे बल्ले से लोग आपके क्षेत्र में वापस जीतकार मौजूद है। सब तक तो थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था तो एक रन के सहारे टोटल स्कोर पहुंच चुका है 120 रन। बहुत ही बेहतरीन ओवर अभी तक जाता हुआ और जो उछाल है मिर्जगंज के क्षेत्र में और वहां पर हेम मौजूद है और कई रन लिए गए हैं टीपो बिल्कुल हेमू के द्वारा बेहतरीन कैच पकड़ा गया है टीपू का। खेत को टाइम नहीं कर पाए थे टीपू और टीपू एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है पवन ने। गोलू है सुमित सूरज सभी लोग बिल्कुल निकल होकर वहां पर एक योजना बनाई जा रही है थोड़ी सी तौर से अपने उस शोर और बॉल पर फंसाया था टीपू को सही से टाइम नहीं कर पाए थे मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे टीपू। रेहान अब पवन की गेंदों का सामना करेंगे पहली बार सबसे बेहतरीन ओवर अमर के द्वारा और रेहान यहां पर चश्मा दिया है रेहान को इस तरह से बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ निश्चित तौर से मैच की दिशा और दशा इस ओवर में निश्चित तौर से मोमेंटम मोड़ दिया है धोनी की तरफ। 12 गेंद और 52 रन अजय कोहली 2007 में 12 गेंद में 52 रन बनाए थे और इसमें बोर्ड की लगातार 6 गेंदों को छक्के लगाए थे। बोले 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 बाबा बोले पहला संस्करण था वो 2007 का T20 और सामना करेंगे रवि का और जिसको खेला है विकेट तो उधर है सुमित बाबा और इधर मिलेगा और सुमित बाबा ने क्या यार बार जिसको खेला है बॉलर के सर के ऊपर से फेरवा के लिए और फील्ड में बल्ले से गजब की टाइमिंग अच्छा प्लेसमेंट और ऐसे ही जरूर 45 रनों की जरूरत यहां से 10/400 की स्ट्राइक से बैटिंग करनी होगी। उम्मीदें अब भी शेष है कोई भी टीम यहां से इस मैच को जीत सकती है। आ रहा दोनों तरफ से बहुत आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली बार जिसको लॉक किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फेरवा के लिए क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं क्या कसब की टाइमिंग है और मुझे लगता है तो टोटल स्कोर क्या पहुंचा है 132 रन क्या कुछ वो करते हैं बार जिसको खेला है खिलाड़ी है शोएब उधर और क्या बढ़िया कैच क्या बढ़िया कैच इसी तौर पर हवाने को क्या लगा क्या बहुत ही शानदार पहुंचा कर सकते हैं अपने बहुत बड़ा विकेट यहां से ये बहुत बड़ा विकेट सभी बैटिंग के लिए आए हैं 8 गेंदे और 39 रन ऐसा भी शानदार ये मुकाबला कोई भी टीम यहां से नजीक सकती है बैट्समैन को बाहर जिसको शाइगर खेला है लॉन्ग बॉल के ऊपर से ये सीमा रेखा के बाहर खेलवा के लिए क्या बैटिंग कर रहे हैं भगवान चौकी चौक से बाहर आता हुआ बाहर जिसको शाइगर खेला है और ये सीमा रेखा के बाहर खेलवा के लिए कोई मौका नहीं क्या शानदार जो मैच है 12 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी और अब यहां से 6 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत और इस टूर्नामेंट में एक बार यह कारनामा हो चुका है 6 गेंदों 27 रन लेकिन बॉलर है पवन 6 गेंदों और ये भी देखना है अब जहां लखा रोहन करा है सभी खिलाड़ी इस समय बॉलर को संसाथ उठा कर ये भेज दिया है मात्र की गन दिया था पहले ओवर में पवन ने विकेट कीपर के छूटा प्रदर्शन में पकड़ लिया सब कुछ आज घटित होता हुआ है इसे रोमांचक बड़े मुकाबले में शिवम पांडे पहले से स्ट्राइक पर है अगर ये 5/5 लगा देते हैं तो मैं आपने कहूंगा कि ये चमत्कार होगा दूरी के इस मैदान पर बिल्कुल नहीं होने देंगे ये 5 का नाम है पवन
राज सारी हवाएं सारी पवन अपनी आखिरी ओवर में तीन रन खर्च थे, एक मतलब अंतिम ओवर फिर से लेकर आए हैं अब्दुल काश के, ये बड़ा छक्का निकलता है सुमित के बल्ले से। 335 नंबर की जर्सी में सुमित नजर आ रही है। तीन गेंदों का सामना किया है सुमित ने और अभी तक लगातार तीन छक्के लगाए हुए हैं। कोई चमत्कार किया टाइगर पर रोक बचा सकता है क्योंकि वो बॉल अगर नहीं होती इसी बीच एक वाइड आती हुई नहीं होती है तो अब भी 19 रनों की आवश्यकता। जीवन का तोड़ी शंकर के सर के ऊपर से निकलता हुआ ये क्या गगन भेदी दागा है सुमित ने और सुपर ओवर की तरफ क्या मैच बढ़ रहा है ये गतिशाली गेंदबाज पवन दबाव से लबरेज ये गेंदबाज करे तो क्या करे बॉलिंग कौन करेगा? बॉलिंग सूरज और गेंदबाज है कोहली की तरफ से सूरज सुपर ओवर सूरज और छाता बल्लेबाज है भाईचा के पटवा के हेलो पहली गेंद फेंक दी गई है उसे खेल दिया है और सुमित सूरज सकीन के लिए दो रन अर्जित किए थे सूरज से ले शकील के लिए उसे खो दिया है और गेंद मामला हार चार रन बहुत ही बड़ा हार शकील के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका भाषा के साथ इसको पहुंचा आठ रन और फलक बेस राहुल जी बिल्कुल वॉलंटियर मौजूद है हर तरह चढ़ने चढ़ने में सूरज चले और बहुत ही उम्दा गेंद कितनी सराहना की जाए जमा करवाएगा इसमें स्पीड एक करने के लिए भैया शॉट लगे संपर्क सही से हुआ रहे शरीर पर आ रही थी टाइमिंग में सही से नहीं हुआ मिस थोड़ा बड़ी सीधा लगता है चली गई कबर की तरह दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया अतुल सूरी के लिए वहां पर पलटे हैं अंपायर बताएंगे अंपायर घुसाने की प्रतीक्षा करूंगा आउट करार दे दिया वहां पर अंपायर ने अरे इस तरीके से आप बता दें 9 रन टोटल करेंगे उस सुपर ओवर में 10 रन अगर कोहली बना लेती है तो फिर सुपर ओवर के तहत भी वो जीत जाएगी यानी 10 रन का टारगेट मिला है उस छह पर। क्या खूबसूरत बॉलिंग हुई एक भी छक्का नहीं लगा एक महज बाउंड्री जो लगी है वो भी विकेट बनाई थी जो बधवा ने सुपर ओवर में 9 रन बनाए हैं और 10 रन बना रहे हैं कोहली को जीतने के लिए इस सुपर ओवर मैच में। सुमित शर्मा आज के हीरो पहली गेंद क्या पेस कर रहा है स्ट्रोक के लाता है अगर आपने फील्ड सेटिंग सभी से नहीं की है किसी के दौर पर कर दिया है मान नहीं लगा सके अगले रन बनाने के बाद इसको 5 रन 2 गेंदों पर 5 रन बन गए हैं यानी अभी भी आपके पास 4 गेंदों से है बनाने के बाद 10 मिनट 5 रन रवि चले थोड़ा प्लान किया शॉट के लिए उनकी गेंद भी बढ़िया शॉट के लिए अगर इसमें अंतरराष्ट्रीय देखने जाते तो 1000 2000 टिकट देना
बॉल जा रहा है। जबरदस्त मैच देखा, जीता है यहाँ पर और आपको देखने को मिला।